नमस्ते भाइयों और बहनों, टेक्स्टअप के एक और अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सारे स्मार्टफोन्स की लॉन्च इवेंट्स कंफर्म हो चुकी हैं, लॉन्च डेट्स कंफर्म हो चुकी हैं। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको पता है कि ये वीडियो अच्छी होगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक स्टाफ लिस्टिंग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बेचारा नीचे बैठा हुआ है आपको कह रहा है कि वो बटन जो है प्लीज दबा दीजिए। Without waiting any further, let's get started. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं गूगल के साथ। गूगल की तरफ से बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही है। सबसे पहले गूगल ने अपना गूगल पिक्सल 5 और गूगल पिक्सल 4a 5G दोनों ही स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं। गूगल पिक्सल 5 स्मार्टफोन अगर इंडिया में लॉन्च होता तो इसकी प्राइसिंग होती समवेयर अराउंड 51,000 रुपीज। ग्लोबल प्राइसिंग है इसकी $699। गूगल पिक्सल 4a 5G की प्राइसिंग रखी गई है $499, दैट इज समवेयर अराउंड 36,000 रुपीज। इनकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। गूगल पिक्सल 5 में आपको मिलेगा एक 6 इंच का फुल HD प्लस OLED पैनल, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट साथ Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर है, 8GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.1 स्टोरेज, Android 11 12.2 प्लस 16 का आपको मिलेगा रियर कैमरा सेटअप और 8 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा फ्रंट कैमरा सेटअप। 4000 mAh बैटरी है, 18 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है आपको Google Pixel 5 में। Google Pixel 4a ऑन द अदर हैंड इसका थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है, 6.2 इंच का फुल HD प्लस है, OLED पैनल है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, यहां पे स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है, प्रोसेसर इज द सेम, RAM आपको 2GB कम मिलेगी, 6GB RAM मिलेगी आपको यहां पे, 12.2 प्लस 16 का आपको मिलेगा रियर कैमरा मैकेनिज्म और फ्रंट कैमरा है फिर से 8 मेगापिक्सल्स का, बैटरी थोड़ी सी छोटी है 3800 mAh बैटरी है और 18 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहां भी इंटैक्ट है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं दिस इज व्हाट द गूगल पिक्सल 5 एंड द गूगल पिक्सल 4a 5G स्मार्टफोन्स लुक लाइक। कैसे लगे आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गूगल के एक और प्रोडक्ट की तरफ। गूगल ने फाइनली अपना सबरीना या क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी इसको भी लॉन्च कर दिया है। 4K HDR की सपोर्ट है, गूगल टीवी आपको मिलेगा, यहां पे एक रिमोट है जो वॉइस एक्टिवेटेड है, आप रिमोट को बोल के टीवी के चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगेन नॉट समथिंग न्यू बट गूगल की तरफ से कुछ आया है तो यहां पे कवर करना जरूरी है। इसकी प्राइसिंग है $49.99। अब इंडिया में कब ये लॉन्च होता है ये तो वक्त बताएगा, बट अभी के लिए यूएस में गूगल्स न्यू क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी हैज बीन लॉन्च्ड। एंड ये चीजें थी गूगल की जो ग्लोबली लॉन्च हुई है, इंडिया में शायद ना आए बट गूगल का इंडिया में गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। गूगल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया आज की 17th अक्टूबर को, विच इज नॉट टू फार फ्रॉम नाउ, गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के थ्रू आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन को खरीद के इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमारे चैनल पे आपको दूं तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की तरफ। इन्फिनिक्स का एक नया स्मार्टफोन 4th अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इसका नाम होगा इन्फिनिक्स हॉट 10। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं दिस इज हाउ द इन्फिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन इज गोइंग टू लुक लाइक। 5200 mAh की इसमें बैटरी है, 6.78 इंच का आपको मिलेगा IPS LCD HD प्लस पैनल, साथ में आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G70 प्रोसेसर, 4GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड 10 पे स्मार्टफोन रन करता है, चार कैमरास हैं पीछे की तरफ 16+2+2+AI और आगे की तरफ आपको मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। इसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 10,000 रुपीस हो सकती है, 9,000 टू 11,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन्फिनिक्स हॉट 10 की प्राइसिंग। कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और आगे बात करते हैं एक और बजट ओरिएंटेड स्मार्टफोन की, मोटो रेजर 5G इंडिया में फाइनली लॉन्च होने वाला है 5th अक्टूबर को। अगर आप 4th अक्टूबर को इन्फिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन नहीं खरीद पाए यू नीड नॉट वरी, बिकॉज 5th अक्टूबर को अगले दिन आप फ्लिपकार्ट से ही खरीद सकते हैं मोटो रेजर 5G। मैं भी सोच रहा हूं मेरी मॉम का बर्थडे आ रहा है 3rd अक्टूबर को तो उनको मैं गिफ्ट कर दूं, मैं ऑलरेडी ढूंढ रहा हूं कोई बंदा मेरा फ्लैट खरीद ले, मेरे कपड़े वपड़े खरीद ले। अगर आप खरीदना चाहते हैं मेरे को पैसे दे सकते हैं मोटो रेजर 5G के लायक, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बट स्टिल ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर आप एक फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं दिस कुड बी द वन फॉर यू। और इंडिया में आफ्टर द सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 अब मोटो रेजर 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है। कैसे लगा आपको वैसे मोटो रेजर 5G स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और आज की वीडियो का पोल भी आप लोगों के लिए ही है कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 वर्सेज मोटो रेजर 5G स्मार्टफोन, अगर आप एक इनमें से एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर पाते आप कौन सा स्मार्टफोन लेते। नन ऑफ द अबव का मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा फोल्डेबल स्मार्टफोन आप लेते। अगर ले सकते, मैं ले सकता होता तो मैं लेता सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2। आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूं, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ। आपको मैंने सुमा की टेक्स्ट में बताया था कि OnePlus का OnePlus World करके एक नया प्रोडक्ट अनवेल होने वाला है, एंड ये VR AR से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। टर्न्स आउट ऐसा ही था, और theoneplusworld.com, यहां पे मैं लिख रहा हूं theoneplusworld.com करके एक वेबसाइट कंपनी ने अनवेल की है, और इसमें अगर आप जाओगे तो आपको एक वर्चुअल टूर मिलेगा OnePlus के प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज का। वहां पे साइट पे 14th अक्टूबर को जो इवेंट है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। WASD, गेमर्स नो व्हाट दिस मींस, ये कीज यूज करके और एरो कीज यूज करके आप चल सकते हैं वहां पे, अपना एवटार बनाइए और OnePlus की दुनिया में खो जाइए। अगर आपने अभी तक OnePlus World को नहीं जाके चेकआउट किया, मे बी टेक्स्ट अप देखने के बाद आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, और वापस आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि theoneplusworld.com आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं गूगल की तरफ, एंड गूगल ने एक नया फीचर अपने गूगल का जो डायलर ऐप होता है या फोन ऐप होता है उसके लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। इसका नाम है गूगल होल्ड फॉर मी। होल्ड फॉर मी क्या करता है, एक असिस्टेंट फीचर है, और वैसे कितने लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं इस चीज में कमेंट सेक्शन में आप बताना पक्का। आपने कभी कस्टमर केयर को कॉल किया हो, कहते हैं कि कुड आई प्लीज होल्ड योर कॉल फॉर अ मिनट, और कुड आई प्लीज पुट यू ऑन अ होल्ड फॉर सम टाइम, और आप आधा घंटा बैठे होते हो कि अब बंदा बात करेगा वापस मेरे से, मेरी दुविधा का, मेरी प्रॉब्लम का हल निकलेगा। हल निकले या ना निकले, टाइम बहुत यहां पे इन्वेस्ट स्लैश वेस्ट होता है, एंड आई हैव बीन देयर। मैं पर्सनली क्या करता हूं, जब भी मैं किसी कस्टमर केयर को कॉल कर रहा होता हूं तो मैं हेडफोन्स लगा के बात करता हूं, सो दैट मेरे हाथ जो है फ्री रहे, मैं आगे पीछे घर के बाकी काम या टाइपिंग जो भी है वो कर पाऊं, और बहुत सारे लोग आई बिलीव ऐसा करते होंगे। टर्न्स आउट गूगल को ये चीज पसंद नहीं आ रही, और गूगल ने एक नया इंटरेस्टिंग और एक नया प्रोडक्टिव फीचर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया अपनी इस ऐप में। गूगल होल्ड फॉर मी असिस्टेंट फीचर क्या करेगा, अगर आपको कभी भी किसी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव ने होल्ड पे रखा है तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद जब भी वो रिप्रेजेंटेटिव वापस आएंगे या आएंगी, आपके फोन पे नोटिफिकेशन, आपको वाइब्रेशन और साउंड देखने को मिल जाएगा, सो आप वापस से अपनी जो बात है रिज्यूम कर सकते हैं, बट तब तक आप अपने बाकी के काम कर सकते हैं, और ये चीज मेरे को पर्सनली बहुत टाइम सेविंग और बहुत प्रोडक्टिव लगी। स्टिल आप लोगों को गूगल का ये होल्ड फॉर मी फीचर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ, एंड Realme लॉन्च करने वाला अपने Realme Buds Wireless Pro और Realme Buds Air Pro, दोनों चीजों के बारे में ऐसे मैं ऑलरेडी आपको लीक करके बता ही चुका हूं, बट 7th अक्टूबर को ये दोनों ही चीजें लॉन्च होने वाली हैं, ऐसा Flipkart के ऑफिशियल लैंडिंग पेज से आज ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। ये कैसे दिखेंगे प्रोडक्ट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स की तरफ, पोको C3, अभी पोको X3 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, पोको C3 लॉन्च होने वाला है, एंड 6th अक्टूबर को ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है। अक्टूबर में अगर आप ध्यान से देखो तो 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे दिन कुछ ना कुछ लॉन्च आ रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी F41 है, ये हो गया, पोको C3 आ गया, रियलमी की इवेंट है, मोटो रेजर 5G है, और उसके बाद ये इन्फिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन है, सो इट्स गोइंग टू बी अ जैम पैक्ड वीक। इसका अगला हफ्ता जो होगा ना वो इससे भी ज्यादा बिजी होने वाला है, टेक्टूबर। अक्टूबर को टेक्टूबर किसी रीजन से कहते हैं। स्टिल अब पोको C3 यार मेरे को लग रहा है रीब्रांड ही होगा, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। स्टिल अब लॉन्च हो रहा है, वही चीजें जो फैक्टर अभी कुछ टाइम पहले पोको M2 की बारी अप्लाई हुई थी ना, यहां पे भी वही अप्लाई होने के चांसेस हैं, ज्यादा रैम हो सकता है मिल जाए और एड फ्री एक्सपीरियंस मिल जाए। इसके अलावा पोको C3 से मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी के लिए। आप लोगों का क्या कहना है पोको C3 के बारे में कमेंट सेक्शन में आप अपना दिल खोल के कमेंट फीडबैक दे सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, Realme ने 7th को लॉन्च करने कुछ प्रोडक्ट्स, और मैंने एक्सक्लूसिव लीक तो आपको ऑलरेडी दे दिया था, बट अब Realme के सपोर्ट पेज ने खुद ही लीक कर दिया सब कुछ, मैं क्या क्या करूं। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि Realme C17 और Realme C7i ये दोनों स्मार्टफोन्स भी अक्टूबर महीने में लॉन्च होंगे। अब ये सपोर्ट पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा Realme स्मार्ट प्लग, स्मार्ट बल्ब, Realme स्मार्ट कैमरा 360 डिग्री, Realme वॉच S, साउंड बार, 55 इंचेस वाला टीवी, N1 सोनिक टूथब्रश, सेल्फी ट्राइपॉड, Realme Buds वायरलेस प्रो, एयर प्रो, Realme 10,000 mAh पावर बैंक 2i, 20,000 पावर बैंक 2, Realme C17, सारी चीजें नई हैं और 7th को लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये था आज की वीडियो का सबसे बड़ा लीक। खुश रहो Realme के, अगर आप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड थे पहले मेरी तरफ से आया था लीक, अब ये कंपनी ने खुद ही लीक कर दिया। तो ये था Realme का अपकमिंग लॉन्च इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने उस पोल में क्वेश्चन पूछा था, डू यू एक्चुअली थिंक दैट अपकमिंग मोबाइल फोन्स फ्रॉम लावा कैन हेल्प द इंडियन ब्रांड्स इन द मार्केट। 3700 लोगों ने वोट किया और 65% लोग कह रहे हैं नो। क्यों नो? अगर 100% डिजाइंड इन इंडिया है, उसके बाद भी अगर आपको हमें लग रहा है कि नहीं इससे कोई हेल्प नहीं होने वाली फ्यूचर में,
क्या वॉट कुड बी द सोल्यूशन, अगर कमेंट सेक्शन में कोई हमें बता पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मतलब क्या सोल्यूशन हो सकता है 100% अगर हम एक स्मार्टफोन इंडिया में बनाना चाहते हैं। हाउ डू वी मोटिवेट दीज कंपनीज, हैशटैग बॉयकॉट चाइना, डू एक्चुअली थिंक उससे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इंडिया में, या फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्या है? जो भी, इट्स अ थ्योरेटिकल टॉक हियर, और मैं आप लोगों का भी फीडबैक जानना चाहूंगा कि वॉट डू यू थिंक शुड मोटिवेट द इंडियन ब्रांड्स टू प्रोड्यूस स्मार्टफोन्स 100% एंटायरली मेड इन इंडिया। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। और वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ। नवीन जी कह रहे हैं, आई नो आई एम नॉट द फर्स्ट बट वन ऑफ द फर्स्ट, मुकुल शर्मा द ओनली पर्सन हूज नोटिफिकेशंस आई रिसीव, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। एंड बाकी के लोग भी, अगर आपने नोटिफिकेशन वाला जो होता है बटन उसको प्रेस नहीं कर रखा, उसको खोपचे को दबा के नोटिफिकेशन अलर्ट ऑन कर सकते हैं। प्रथमेश जी कह रहे हैं, माई कॉफी गॉट फिनिश्ड बट द टेक्स्ट ऑफ इज स्टिल गोइंग ऑन, टेक्स्ट ऑफ इज लेंथी, आई लव इट, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट ब्रदर, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी छोटी से छोटी आपको मैं टेक्स्ट ऑफ प्रोवाइड किया करूँ, और आज की वीडियो में मैं ट्राई करूंगा जितनी अपनी तरफ से छोटी कर पाऊँ। कॉन्टेंट नहीं खत्म कर सकता, मतलब अगर मैं 10 मिनट में तो कैसे करें, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूज प्रोवाइड करूं। स्टिल वी आर ट्राइंग टू यू नो लेसन द नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ द टेक्स्ट ऑफ्स। वी संबोरदेकर जी कह रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क कंटिन्यूज बट हियर्स टेक्स्ट ऑफ टू रिफ्रेश माय माइंड एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन, थैंक्स लॉट ब्रदर, एंड आई सिंसियरली होप कि हमारी टेक्स्ट ऑफ से आपको कुछ माइंड रिफ्रेश मिलता होगा और आपको बाकी का काम करने के लिए कुछ मोटिवेशन मिलती होगी। और आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ। सिद्धार्थ जी इज द कमेंटेटर ऑफ द डे, वो कह रहे हैं, वॉचिंग मी 10T सीरीज लॉन्च टुगेदर विद टेक्स्ट ऑफ्स। मी 10T सीरीज वैसे जल्दी ही इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है, और अभी के लिए कंग्रेचुलेशंस ब्रदर फॉर बिकमिंग द कमेंटेटर ऑफ द डे। और वीडियो खत्म करते हैं टेक्स्ट ऑफ मोमेंट ऑफ द डे के साथ। एंड मिस्टर साइको जी ने एक अच्छी सी फोटो भेजी है, वो कह रहे हैं, वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग योर टेक्स्ट ऑफ विद टी, और वो ब्लैक टी पी रहे हैं आई बिलीव, कोई दूध नहीं है इसमें। थैंक्स अ लॉट फॉर सेंडिंग दिस टू अस ब्रदर, एंड आगे भी ऐसे ही फोटोज, इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी फोटोज आप सारे लोग हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम करके भेज सकते हैं। सो देयर यू गो गाइस, ये थी शाम की टेक्स्ट ऑफ, ये आज की हमारी तीसरी वीडियो है, और ये जो कहा गया वो एंड मी का जो स्मार्ट स्पीकर था उसकी अनबॉक्सिंग भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। God bless you all. Peace.